काशी से शुरू होगी दुनिया की सबसे लंबी और रोमांचक रिवर क्रूज यात्रा। रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से वाराणसी से शुरू होगी। आज काशी यात्रा पर आएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, पीएम मोदी ने बेंगलुरु से कल किया था रवाना। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। 5 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह होंगे बाराबंकी के एसपी। प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। ज्ञानव्यापी मामले में हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद और विशेश्वर मंदिर विवाद मामले में अब 28 नवंबर को करेगी सुनवाई। बीएचयू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, आज का युवा नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला है। संत कबीर नगर में बोले राकेश टिकैत, किसानों को बदनाम कर रही है भाजपा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को 1 साल की कैद जुर्माना अदा कर अपील के लिए मांगा समय, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 8,600 रुपए के बेल ब्रांड पर हुए रिहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विधायक अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड 18 नवंबर तक बढ़ी। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने दिया फैसला। फतेहपुर डिपो की बस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर से 1 यात्री की मौत, 22 घायल। वाराणसी में डेंगू का कहर, 2 दिन में 8 नए मरीज, अलर्ट पर सर्विलांस टीम। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।